नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश और अर्बन अपडेट में आपका स्वागत है। सीतापुर में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। यहां घाघरा के साथ ही शारदा नदी भी उफान पर है। कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। यूपी के सीतापुर में भी घाघरा के साथ शारदा नदी भी उफान पर है। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। जहां तक नजर जा रही है वहां तक बाढ़ का पानी ही नजर आ रहा है। पहाड़ों और तराई इलाकों में हो रही लगातार बारिश से सीतापुर के बिस्वा तहसील में नदी के किनारे बसे गांव की तरफ बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा है। कई गांव तो टापू बन चुके हैं। लोग नाव से सफर कर रहे हैं क्योंकि सड़कें तो पूरी तरह जलमग्न हो चुकी हैं। यहाँ लोगों के खेतों, गांव और सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि हर जगह नाव के सहारे ही आ जा रहे हैं लोग। बाढ़ का पानी बढ़ रहा है तो कई गांव में भी खतरा बना हुआ है। बैराज से जो पानी छोड़ा जाता है उससे नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। ग्रामीणों की फसलें तो पूरी तरह से चौपट हो चुकी हैं, पूरी फसल पानी में ही डूब गई है। घाघरा नदी इस समय इन लोगों के लिए काल बनी हुई है। नदी के किनारे बसे कई गांव वीरान हो चुके हैं। पूरा का पूरा गांव यहां से बाढ़ के डर से पलायन कर चुका है। बाढ़ का खतरा देख लोग मजबूरी में गांव छोड़ चुके हैं। गांव में ना तो जानवर हैं ना लोग, इक्का दुक्का लोग ही दिखते हैं जो सिर्फ ये देखने आते हैं कि अभी गांव बचा है या फिर इसे भी नदी ने अपने अंदर समा लिया है। यहां के बाशिंदों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन के दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। गांव में रहने वाले लोग हर साल बाढ़ से होने वाली तबाही से बेहाल हैं। बैराजों से लाखों क्यूसिक छोड़े गए पानी में शारदा और घाघरा में जो है जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसको लेकर जो आसपास के गांव के जो लोग हैं, दर्जनों गांव के लोग, वो दहशत में आ गए हैं। हम आपको बता दें कि शारदा और घाघरा नदी के किनारे जो गांव बसे हुए हैं उन ग्रामीणों में खासा दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। लगातार जो है जलस्तर और शारदा घाघरा का बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर जो है ग्रामीणों की जो कृषि योग्य भूमि है वो नदी में लगातार समाती हुई चली जा रही है। और आपको बता दें कि एक गांव है पच्चीसा गांव जो शारदा और घाघरा नदी के टापू पर बसा हुआ है। हम आपको बता दें 350 की आबादी करती है और वह आने जाने का कोई भी रास्ता नहीं। अगर बात करें तो बरसात के मौसम में जो लोग जो है नाव से होकर गुजरने को, नाव से होकर जिला मुख्यालय को आते हैं। आपको बता दें कि गांव में न तो कोई स्कूल है और न ही कोई जो है किसी प्रकार की सरकार की सुविधाएं उन ग्रामीणों को मिल पाई हैं। अगर ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि हमारी यहां अभी कोई जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी सुध लेने नहीं आया है, जिससे हम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 25 गांव के लोगों को राहत कब मिलती नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विभू शुक्ला के साथ समी अहमद, लाइव टुडे सीतापुर।